बच्चों कैसे हो आप लोग तो आपको याद है लास्ट टाइम पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट वाला चैप्टर खत्म किया था अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन काफी बड़ा चैप्टर है जेनेटिक्स जेनेटिक्स वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो टर्म जेनेटिक्स गिवन बाई बेटसन डब्ल्यू बेटसन विलियम बेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था तो जेनेटिक्स है क्या आपको पता है कि जो मम्मी पापा होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं बच्चे देखो ना जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं बच्चे होते हैं कहते नहीं इन इनका कान या नाक मम्मी से रिजम्बल कर रहा है चेहरा पापा से मिल रहा है ऐसे बोलते हैं ना तो जाहिर सी बात है बच्चे में कैरेक्टर गुड़ किसके आएंगे माँ बाप के ही तो आएंगे तो वही जो पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं ना वही ट्रांसमिट्स ट्रांसमिशन जो पैटर्न है ट्रांसमिशन को ही हम बोलते हैं इनहेरिटेंस तो जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना ट्रेड्स का कैरेक्टर्स का ये इनहेरिटेंस कहलाता है इट इज़ द बेस ऑफ हेरीडिटी इनहरीटेंस जो होता है बच्चों इट इज़ द बेसिस ऑफ़ हेरीडिटी हेरीडिटी क्या होता है एक्चुअल में ये जो ट्रांसमिशन है इन्हरीटेंस वाला जो प्रोसेस होता है एक्चुअल में प्रोसेस का नाम है हेरीडिटी और प्रोसेस इसका यूनिट है इन्हेरीटेंस इन्हरीटेंस इसका पार्ट है हेरीडिटी का पार्ट है इन्हेरीटेंस इज़ द यूनिट ऑफ हेरीडिटी ये आप याद रखना है तो प्रोसेस जो होता है इनहेरिटेंस वाला जो प्रोसेस है उसको हेरिडिटी बोलते हैं तो वेरिएशन क्या है तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का मतलब क्या था पता चल गया वेरिएशन क्या है वेरिएशन है आप ये बताओ जो ऑफ स्प्रिंग होता है ऑफ स्प्रिंग ऐसा तो है ना कि अपने पेरेंट्स एकदम एग्जैक्टली exactly रिजम्बल करता है या एक पेरेंट के तीन बच्चे हैं तो तीन एकदम एग्जैक्टली सिमिलर होंगे ऐसा भी तो नहीं है ना तो वेरिएशन क्या है द डिग्री बाई विच ऑफ स्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स द डिग्री बाई विच ऑफ स्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरिएशन एंड वेरिएशन इन पॉपुलेशन ध्यान दो वेरिएशन इन पॉपुलेशन एराइज बाई सेक्सुअल प्रोडक्शन सेक्सुअल प्रोडक्शन का मतलब मियोसिस तो पॉपुलेशन में जो वेरिएशन आता है पॉपुलेशन में वेरिएशन जो आता है ये सेक्सुअल प्रोडक्शन से आता है मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अलावा म्यूटेशन भी एक और कॉज है जो वेरिएशन ला सकता है मेन कॉज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बेटा पॉपुलेशन में वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है ये बात लोगों को ना बहुत पहले से ही पता था बहुत ही पहले से पहले से लोगों को पता था तो लोगों ने क्या किया इसको इस वेरिएशन को यूटिलाइज किया उन्होंने क्या किया आर्टिफिशियल सेलेक्शन किया आर्टिफिशियल सेलेक्शन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन दो प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कर दिया दो एनिमल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कर दिया तो पॉपुलेशन में वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है ये बात लोगों को बहुत पहले से पता था तो उन्होंने क्या किया उन्होंने आर्टिफिशियल सेलेक्शन किया आर्टिफिशियल सेलेक्शन मतलब हाइब्रिडाइजेशन किया एक तो नेचुरल सेलेक्शन होता है नेचर करता है एक आर्टिफिशियल जो आप करते हो तो आर्टिफिशियल सेलेक्शन किया उसके बाद डोमेस्टिकेशन कर लिया मतलब जो ऑर्गेनजम है उसको डोमेस्टिक बना लिया पालतू बना लिया जिससे बहुत सारी वैरायटीज डेवलप हो गए हाइब्रिड वैरायटीज आ गए प्लांट्स के एनिमल्स के बहुत सारे वैरायटी डेवलप हो गए जैसे साहीवाल काऊ इन पंजाब पंजाब में जो साहीवाल काऊ था बना था हाइब्रिड वैरायटी है देखिए कितना हाई एल्डिंग होता कितना मिल्क प्रोड्यूस करता है तो साहीवाल काऊ इन पंजाब ठीक है देखो कितना मिल्क प्रोड्यूस करती है साहीवाल काऊ तो वही है तो कुछ हम जेनेटिकल टर्म यूज कर रहे हैं सम जेनेटिकल टर्म्स कुछ टर्म्स हैं जो जेनेटिक्स में यूज होते हैं जैसे फैक्टर है? नहीं हुआ था तो मेंडल साहब ने फैक्टर शब्द यूज किया था जीन क्या है जीन है सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन डीएनए का एक टुकड़ा है जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन साहब ने यूज किया था जॉनसन साहब ने जॉनसन इन्होंने सबसे पहले जीन शब्द यूज किया जीन क्या है ये डीएनए का एक टुकड़ा है विच कोड फॉर ए प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड ठीक है जीन डीएनए का टुकड़ा है जो किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को बनाता है जैसे टी जीन कैपिटल टी हमने दिखा टी जीन टी जीन है मटर में पी प्लांट में हाइट के लिए हाइट स्टेम के हाइट के लिए टी जीन होता है ठीक है अब एक टर्म यूज होता है एलीलिया एलिलोम ठीक है एलीलिया एलिलो मॉर्फ्स दोनों बात एक ही है अल्टरनेटिव या कंट्रास्टिंग या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन कॉल्ड एलील या एलि मॉर्फ ध्यान देना अगर जीन सिक्का है अगर जीन कॉइन है तो एलील हेड और टेल है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं सिक्का क्या हो गया जीन उसके दो पहलू क्या हो गए एलील हो गए ना तो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एलील जैसे टी एक जीन है टी जीन टी जीन के दो डिफरेंट फॉर्म है कंट्रास्टिंग या अपोजिट फॉर्म है कैपिटल टी और स्मॉल टी टी जीन हाइट को कंट्रोल करता है कैपिटल टी टॉल हाइट को कंट्रोल करेगा और स्मॉल टी डॉर्फ हाइट को कंट्रोल करेगा ना तो कैपिटल टी स्मॉल टी एलील हो गया और ये टी जीन के दो एलील है ना और एक नोट करके एक पॉइंट हमने लिखा है जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एलियस कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स जीन जो होता है बेटा जीन जीन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है जैसे एक कैरेक्टर है प्लांट का हाइट हाइट के लिए टी जीन होता है कैपिटल टी जीन होता है अब हाइट में दो ट्रेट है हाइट एक कैरेक्टर है कैरेक्टर में दो ट्रेट एक कैरेक्टर में दो ट्रेट होता है ठीक है अब हाइट में टॉल हाइट भी हो सकता है डॉर भी हो सकता है तो टॉल हाइट के लिए कैपिटल टी एल स्मॉल हाइट के लिए स्मॉल टी एल था क्या वो टी जीन का ही तो दो रूप था तो कैरेक्टर कंट्रोल बाय जीन एंड एलील का एक्सप्रेशन कंट्रोल बाई एलील कंट्रोल करता है ट्रेड के एक्सप्रेशन को और जीन करता है कैरेक्टर के का एक्सप्रेशन को एक कैरेक्टर में दो ट्रेड होते हैं एक जीन में भी तो दो एलील होता है ना तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है इन वन कैरेक्टर टू कंट्रास्टिंग ट्रेड प्रेजेंट ठीक है अब जैसे एग्जाम्पल स्टेम हाइट स्टेम हाइट के लिए एक करेक्टर है एक स्टेम हाइट एक करेक्टर है कंट्रोल बाई जीन अब एक करेक्टर में दो ट्रेट है एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा अब हाइट के लिए डोमिनेंट है टॉल रिसेसिव है ड्वार्फ टॉल के लिए कैपिटल टी एल एल है ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी एल है ना तो एक करेक्टर में दो ट्रेट हो गया जो हमने आपके सामने दिखाया है अब आप देखिए बेटा अब आगे हम बात करते हैं इसको आप नोट कर लीजिए लिख लीजिए फिर आगे हम टर्म बताते हैं आपको तो यहां पे ध्यान देना डोमिनेंट एक टर्म यूज होता है डोमिनेंट और रिसेसिव आपने भी पढ़ा है डोमिनेंट क्या है रिसेसिव क्या है हम आपको बता दें द ट्रेट ध्यान देना कोई भी ट्रेट या कैरेक्टर विच इवॉल्व फर्स्ट इन द पॉपुलेशन एंड वर वेरी कॉमन इज कॉल्ड डोमिनेंट ध्यान देना ट्रेट क्या है कोई भी ट्रेड या करेक्टर जो पॉपुलेशन में सबसे पहले आया होगा और पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन था ज़्यादातर वही दिखता था वो डोमिनेंट था जैसे टॉल प्लांट राउंड सीड का सेप येलो येलो सीड का कलर ग्रीन पॉड कलर ये सब डोमिनेंट ट्रेड था ये सब डोमिनेंट ट्रेड था और जैसे ईयर लोब है ईयर लोब ये देखिए ज़्यादातर लोगों का ईयर लोब फ्री रहता है तो ये डोमिनेंट होते हैं और कुछ लोगों का ईयर लोग अटैच भी रहता है तो वो रिसेसिव है और डोमिनेंट से रिसेसिव म्यूटेशन से बना है मतलब ये कैरेक्टर जीन कंट्रोल करता है उसी जीन में रिसेसिव म्यूटेशन हो गया होगा जिससे ईयर लोग अटैच हो गया तो बेटा ध्यान देना रिसेसिव क्या है द ट्रेट लेस कॉमन इन पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन में थोड़ा सा कम दिखता है एंड इवॉल्व्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन डोमिनेंट एलील जो रिसेसिव वाला एल करेक्टर है बेटा ध्यान देना रिसेसिव ट्रेड पॉपुलेशन में राइज होता है डोमिनेंट जीन या एलील में म्यूटेशन की वजह से ठीक है डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन हो गया रिसेसिव करेक्टर आ गया तो उसकी वजह से जैसे ये टॉल प्लांट था तो ये डॉर्फ प्लांट बन गया फ्री ईयर लोब था तो अटैच ईयर लोब हो गया सीड कलर सीड कलर येलो डोमिनेंट होता है तो ग्रीन रिसेसिव हो गया पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है तो येलो रिसेसिव हो गया तो डोमिनेंट से रिसेसिव कैसे बना है म्यूटेशन से बना है ठीक है अब देखिए होमोजाइगस को प्योर भी बोलते हैं होमोजाइगस होमोजाइगस का मतलब होमोजाइगस का मतलब है द जीन होमोजाइगस का मतलब जीन या एल्स जो मतलब कोई भी कैरेक्टर जिसको कंट्रोल करने वाले जीन के दोनों एलील एक जैसे हैं बोथ द एलील्स फॉर द कैरेक्टर मतलब बोथ द एलील्स Controlling expression of character are identical called homozygous. Both the alleles for the character are similar are similarly identical. और जो homozygous होता है, only one या same type of gametes is produced by homozygous individual. जो homozygous individual होता है, या homozygous genotype वाला और genotype होता है, वो सिर्फ एक ही type का, same type of gametes बनाता है, ठीक है? तो वही लिखा है हमने. जैसे capital T capital T है, तो एक type का gamete बनाएगा T. स्मॉल टी स्मॉल टी है तो इससे एक टाइप का गैमेट बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर से आर स्मॉल आर स्मॉल आर से स्मॉल आर ये एक ही टाइप के गैमेट्स बने हैं इससे एक ही टाइप का सबसे एक ही टाइप का गैमेट बना है हेक्ट्रोजाइगा से हाइब्रिड क्या है बोथ द एलिय फॉर द कैरेक्टर आर डिफरेंट मतलब किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो दोनों एलियस हैं बोथ द एलिय फॉर द कैरेक्टर आर डिफरेंट दोनों एलिय यहाँ पे क्या है डिफरेंट हैं दोनों ये जो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं वो अलग अलग हैं डिसिमिलर हैं उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। ध्यान देना जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होगा दो अलग अलग टाइप का गैमेट बनाएगा जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो इससे दो टाइप का गैमिट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी इससे भी दो टाइप का बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर इससे भी दो टाइप का बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसका मतलब ये है इस जीनों वाला पर्सन अगर हंड्रेड गैमिट्स बना रहा है तो हंड्रेड में से फिफ्टी गैमिट्स में कैपिटल टी वाला कॉम्बिनेशन जाएगा जीन का और फिफ्टी में स्मॉल टी वाला एल, एल का कॉम्बिनेशन जाएगा पचास में कैपिटल टी एल रहेगा पचास में स्मॉल टी फिफ्टी फिफ्टी रहेगा ना तो ये हाइब्रिड या हाइब्रिड्रोजाइगस हो गया एक टर्म यूज होता है फिनोटाइप फिनोटाइप क्या है एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ ऑर्गेनज होता है फिनोटाइप जैसे लंबा हाइट हो गया लंबाई क्या है लंबा है छोटा ही फिनोटाइप है जीनोटाइप क्या है जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनजियम जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीनोटाइप है ये आपको बाहर से नहीं दिखेगा ये जेनेटिक मेकअप है ये बाहर से नहीं दिखेगा बाहर से फिनोटाइप दिखेगा तो जीनोटाइप कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप ध्यान देना जीनोटाइप कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप इसका मतलब यह है कि एक बार बताओ टॉल प्लांट टॉल क्यों होता है अरे भाई उसका जीनोटाइप ही ऐसा है ना उसका जीनोटाइप ही कैपिटल टी कैपिटल टी वाला कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है तो टॉल होगा कोई प्लांट डॉर्फ कब होता है उसका जीनोटाइप जब स्मॉल टी स्मॉल टी होता है तो फिनोटाइप कैसे बनेगा ये जीनोटाइप डिसाइड करेगा ना मतलब जीनोटाइप कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप जीन बताता है कि आपका फिनोटाइप कैसा होगा वही यहाँ पे लिखा है कि फिनोटाइप है ड्वार्फ तो इसका मतलब जीनोटाइप स्मॉल टी स्मॉल टी रहा होगा ना ये चीज है नोट करके यहाँ पे हमने एक दो पॉइंट लिखा है जो डोमिनेंट रेट है डोमिनेंट रेट एक्सप्रेसेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशंस वेयर एज ट्रेट प्रेजेंट या एक्सप्रेस प्रेजेंट या एक्सप्रेस ओनली इन ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन ध्यान देना जो डोमिनेंट ट्रेट है जो डोमिनेंट ट्रेट होता है बेटा वो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है जैसे आप देखिए डोमिनेंट ट्रेट में जैसे मान लीजिए टॉल प्लांट है टॉल प्लांट टॉल क्या हो गया हाइट हो गया फिनू हो गया टॉल प्लांट होमोजाइगस भी हो सकता है टॉल डोमिनेंट होता है ना वो होमोजाइगस भी हो सकता है कैपिटल टी कैपिटल बी टी भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है डोमिनेंट वाला टॉल वाला कैपिटल टी कैपिटल टी भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है दोनों होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कुछ भी हो सकता है वो वेयर एज रिसेसिव ट्रेट जो रिसेसिव ट्रेट है एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस जो रिसेसिव होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है मतलब जो डॉर्फ प्लांट है डॉर्फ तभी बनेगा जब वो स्मॉल टी स्मॉल टी होगा होमोजाइगस होगा ठीक है हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी डॉर्फ नहीं बन सकता और मेंडेलियन कैरेक्टर्स वर वोनोजेनिक एंड डाइ एलेक्स का मतलब है मेंडल साहब ने मटर में सात कैरेक्टर का स्टडी किया और सातों कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक एक जीन ही था सात कैरेक्टर के लिए सात अलग अलग जीन था मतलब वन कैरेक्टर एक वन जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करेगा और एक जीन के दो एलील होंगे मेंडेलियन करेक्टर्स और मोनोजेरिक एंड डाई मतलब अकॉर्डिंग टू तो मेंडल एक्सप्रेशन ऑफ ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन या सिंगल जीन हैविंग टू एलील्स जैसे हाइट के लिए टी जीन था उसके दो एलील थे कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है तो ये चीज है ये लिखिए बाकी हम और भी चीजें आपको बता रहे हैं अभी बैक क्रॉस एक टर्म यूज होता है बैक क्रॉस बैक क्रॉस क्या है बेटा एफ वन हाइब्रिड जो बन रहा है एफ वन हाइब्रिड क्रॉसड विथ एनी ऑफ द पेरेंट जो बेटा मान लीजिए दो प्योर पेरेंट के बीच में क्रॉस कर करे ठीक है, है और उससे एफ ओन हाइब्रिड बना एफ वन हाइब्रिड को हम जब वो सेक्सुअली मेच्योर हो गया एफ वन हाइब्रिड उसका क्रॉस किसी अपने पेरेंट से ही करा दो उल्टा तो उसको हम क्या बोलेंगे बैक क्रॉस बोलेंगे जैसे आप देखिए अच्छा एक टर्म होता है पी पी का मतलब पेरेंटल जनरेशन एफ वन मतलब फर्स्ट वन मतलब फर्स्ट एफ का मतलब फीलियल जनरेशन फर्स्ट फीलियल जनरेशन फीलियल का मतलब ऑफ स्प्रिंग बच्चों वाला पहला जनरेशन और एफ वन से बनता है एफ टू जनरेशन एफ टू मतलब सेकेंड फीलियल जनरेशन तो बैक क्रॉस क्या है एफ वन हाइब्रिड क्रॉसड विथ एनी ऑफ द पेरेंट बैक क्रॉस दो टाइप का होता है आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जैसे आप देखिए आउट क्रॉस क्या है आउट क्रॉस में हम एफ वन हाईब्रिड का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करते हैं ध्यान देना F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ डोमिनेंट पेरेंट और टेस्ट क्रॉस में F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस तो आप देखिए जो आउट क्रॉस होता है इसमें ये F1 हाइब्रिड है कैपिटल टी स्मॉल टी इसका क्रॉस हमने करा दिया डोमिनेंट पेरेंट मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी से आप ऐसे देखो ना दो पेरेंट थे कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्माली उनके बीच में क्रॉस कराया एफोन हाइब्रिड क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी अब एफोन हाइब्रिड का आपने जब डोमिनेंट पैरेंट से क्रॉस करा दिया उसको आउट क्रॉस बोलेंगे तो ये हाइब्रिड है हाइब्रिड है इससे दो टाइप का गवर्नमेड बनेगा इससे सिर्फ एक ही टाइप का गवर्नमिट बनेगा तो आप जब क्रॉस कराओगे तो देखो कैपिटल टी का पहले इन दोनों से करा दो तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी बन गया फिर स्मॉल का इन दोनों से करा दो तो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी ये बन गया तो जितने भी प्लांट बने बेटा भले ही दो अलग अलग जीनोटाइप के थे लेकिन सब का फिनोटाइप सेम होगा ऑल टॉल जितने भी प्लांट होंगे सारे टॉल होंगे 100 परसेंट टॉल होंगे तो ये जो आउट क्रॉस है इससे नो वेरिएशन एराइज आउट क्रॉस से कोई भी वेरिएशन एराइज हुआ ही नहीं नो no सिग्निफिकेंस इसका जेनेटिक्स में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है जितने भी प्लांट बने सारे के सारे क्या थे टॉल थे दूसरा है टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस में बेटा एफ ओन हाइब्रिड का क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से करते हैं ठीक है टेस्ट क्रॉस में जो एफोन हाइब्रिड होता है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला उसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से किया जाता है इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस जैसे मान लीजिए कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस हुआ एफ ओन हाइब्रिड बना कैपिटल टी स्मॉल टी तो एफ ओन हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा दिए इसको बोल देंगे टेस्ट क्रॉस तो ये जो टेस्ट क्रॉस आपको दिख रहा है इसमें ये एफ ओन हाइब्रिड से ये दो टाइप का गवर्नमेंट बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी इससे सिर्फ एक ही टाइप का गवर्नमेंट बनेगा स्मॉल टी तो इन दोनों गवर्नमेंट का इससे क्रॉस कराओ तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा फिर स्मॉल टी स्मॉल टी बनेगा फिर स्मॉल टी स्मॉल टी बनेगा तो चार प्लांट अगर बन रहे हैं मान लीजिए चार बन रहे हैं तो चार में से दो टॉल होगा दो डॉर्फ होगा मतलब दस में से पांच टॉल होगा पांच डार्फ होगा फिफ्टी फिफ्टी वन बाई टू परसेंट टॉल बाई टू टॉल होगा मिलेगा आपको टी दो मिलेंगे स्मॉल टी टी स्मॉल वाले दो मिलेंगे मतलब फिफ्टी फिफ्टी आपको रेशियो मिला तो ये बताइए यहां पे वेरिएशन है यहां पे टॉल डॉर्फ दोनों मिले यहां पे सिर्फ टॉल मिला था तो देखिए वेरिएशन एराइज इन टेस्ट क्रॉस वेरिएशन मतलब टॉल डॉ दोनों मिल रहे हैं वेरिएशन आ रहा है इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट है ये इन जेनेटिक्स जेनेटिक्स में आउट क्रॉस यूज नहीं होता है क्यों वेरिएशन आता ही नहीं है इसलिए यूज नहीं होता सिग्निफिकेंस ही नहीं है जेनेटिक्स में टेस्ट क्रॉस यूज होता है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस है देखिए अब वेरिएशन एराइज हो रहा है तो वन इज टू वन रेशियो इंडिकेट्स डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन तो वन स्टूडेंट रेशियो आने का मतलब यही है कि ये जो एफ वन हाइब्रिड था ये डोमिनेंट कंडीशन में था डोमिनेंट रेट हेट्रोजाइगस कंडीशन में है आपने पढ़ा है डोमिनेंट वाला होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों हो सकता है लेकिन अगर वन स्टूडेंट का रेशियो आ रहा है क्रॉस कराने के बाद इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में था तो देखिए टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस है टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन द जीनो टाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इसका क्या मतलब है लिखा हुआ है टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन द जीनो टाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इसका मतलब यह है जैसे मान लीजिए कोई टॉल प्लांट है ये यह टॉल प्लांट है हाइट आपको दिख रहा है फिनोटाइप दिख रहा है टॉल है इसका जीनो टाइप क्या होगा आप देख के कैसे बता पाओगे अब ये कैपिटल टी कैपिटल टी वाला भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी हो सकता है डोमिनेंट वाला डोमिनेट वाला होमोजाइगस जाएगा सेट हो जाएगा, जाएगा कुछ भी हो सकता है तो जीनोटाइप आपको नहीं पता है फिनोटाइप पता है कि ये टॉल है क्योंकि वो दिख रहा है बाहर से जीनोटाइप पता करना है डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता करना है उसको आप रिसेसि प्लांट से क्रॉस करा दो अगर रिसेसिव से क्रॉस करा दोगे आप और अगर वन इजू वन का रेस्यू आ रहा है मतलब दस में से पाँच प्लांट टॉल है पाँच डॉर्फ इसका मतलब वो हाइब्रिड रहा होगा इसका मतलब ये है कि वो हाइब्रिड था अगर सारे टॉल हो जाए इसका मतलब वो प्योर डोमिनेंट रहा होगा कैपिटल टी कैपिटल रहा होगा तभी तो जब उसका क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल टी से कराया तो सारे प्लांट टॉल हो गए ना तो टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन द जिनो टाइप ऑफ जो टॉल वाला प्लांट है वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है रिसेसिव से क्रॉस करा दोगे और बच्चों का रिजल्ट देख के बच्चे कैसे पैदा हुए उससे पता चल जाएगा कि वो होमोजाइगस था कि हेट्रोजाइगस था ये है टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस अब थोड़ा सा हम मेंडल के बारे में बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल मेंडल साहब जो थे 1822 में पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया एक कंट्री है ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे और 1884 में इनका डेथ हुआ था किडनी फेल होने की वजह से किडनी डिफेक्ट या डिजीज होने की वजह से किडनी में इनकी डेथ हुई थी मेंडल साहब को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स ये प्रीस्ट थे भाई प्रीस्ट इन चर्च इन ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया में एक चर्च में ये प्रीस्ट थे ही वर्कड इन्होंने कई सारे प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया ध्यान देना इन्होंने कई सारे प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया जैसे गार्डन पी पाइसम सटाइवम था हॉकविड हॉकविड एपोमिक्ट प्लांट होता है हायोसाइमस हॉकविड हॉकविड के ऊपर काम किया ऐसे बीन के ऊपर भी काम किया लेग्यूम प्लांट है कई सारे प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया अपना लेकिन हॉकविड होता है हायोसाइमस हायोसाइमस के ऊपर तो इन्होंने कई सारे प्लांट के ऊपर काम किया लेकिन मेन प्लांट इनका क्या था पाइसम सटाइबम था मटर जो मटर आप खाते हो गार्डन पी वो था एक्सपेरिमेंट तो कई सारे प्लांट के ऊपर किया लेकिन बाद में सेवन ईयर्स सात साल तक इन्होंने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसी चर्च के ही कंपाउंड में गार्डन में चर्च में गार्डन बना रखा था उसी में तो 1856 से लेकर 1863 इन्होंने सेवन इयर्स सेवन इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया बाय सेलेक्टिंग सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने मिंडल साहब ने मटर में सेवन कैरेक्टर का स्टडी किया ध्यान देना सेवन कैरेक्टर्स का स्टडी किया और सात कैरेक्टर का मतलब चौदह ट्रेट एक कैरेक्टर में दो ट्रेट होता है तो साठ कैरेक्टर में चौदह ट्रेट हो गया और एक कैरेक्टर के दोनों ट्रेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कंट्रास्ट जैसे हाइट हाइट एक करेक्टर है अब हाइट में टॉल भी हो सकता है डॉर्फ भी हो सकता है तो टॉल डॉर्फ क्या है ट्रेट है हाइट क्या था कैरेक्टर था तो इन्होंने सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया सात पेयर एक पेयर में दो कर ट्रेट हो गया ना सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया एक पेयर में दो ट्रेट दोनों कंट्रास्ट होता है एक टॉल है तो एक डॉर्फ है जैसा सीड सेप एक करेक्टर हो गया उसमें राउंड भी हो सकता है रिंकल्ड भी हो सकता है तो राउंड रिंकल्ड क्या है ये ट्रेट हो गया तो सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया सात कैरेक्टर में चौदह ट्रेट लिया और सारे एक दूसरे के अपोजिट थे कंट्रास्ट थे एक टॉल है तो एक होगा ठीक है ही फर्स्टली अप्लाइड ध्यान देना बायोलॉजी में बायोलॉजी में मेंडल साहब सबसे पहले पर्सन थे इनको मैथमेटिक्स बहुत आता था स्टेटिस्टिक्स बहुत आता था तो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अप्लाई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक इन बायोलॉजी ठीक है ये बिल्कुल नया कंसेप्ट अप्लाई किए ही सिलेक्टेड फोर्टीन ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वराइटी ट्रू ब्रीडिंग को हम प्योर लाइन भी बोलते हैं इन्होंने चौदह फोर्टीन ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स लिया सात कैरेक्टर लिया था ना एक करेक्टर में दो ट्रेट होता है टॉल है ड्वार्फ है तो सात कैरेक्टर लिया तो चौदह ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वराइट इन्होंने लिया था ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन क्या होता है अगर किसी प्लांट को हम बोल रहे हैं कि ये ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन है इसका मतलब ये प्लांट लगातार किसी प्लांट को आप लगातार कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ किसी प्लांट को लगातार आप कई जनरेशन तक जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाओगे कराते जाओगे तो उसमें हाइब्रिड या हेटरोजाइगस करेक्टर कम होता जाएगा रिड्यूस होता जाएगा होमोजाइगस या प्योर करेक्टर बढ़ता जाएगा तो उससे जो प्लांट बनेगा उसको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन और यह भी पढ़ा था लगातार सेल्फिंग से ना इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है हेट्रोजाइगस करेक्टर कम होता जाता है ये सेक्सुअल प्रोडक्शन में हमने बताया था ना तो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन जो कंटिन्यूस सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन से बनता है एंड सो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस और जब कई बार कई लगातार सेल्फिंग से बना है वो प्योर है तो वही प्योर करेक्टर अगले जनरेशन में भी वो ट्रांसफर करेगा एंड एग्जिबिट स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन कई जनरेशन तक वो उस उसी ट्रेट या कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता जाएगा वो प्लांट होता है ट्रू ब्रीडिंग का प्योर लाइन जो लगातार कई जनरेशन सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन कराने से बना है ना आप इसको लिख लीजिए बेटा नोट कर लीजिए आप आराम से इसको तो यहां पे ध्यान देना मेंडल साहब ने सेवन कैरेक्टर लिया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कैरेक्टर लिया था सीड सेप सीड कलर फ्लावर कलर पॉड सेप पॉड कलर फ्लावर पोजिशन और स्टेम हाइट सात कैरेक्टर लिया था एक कैरेक्टर में दो ट्रेट होते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट या कंट्रास्ट होते हैं ठीक है एक कैरेक्टर में दो दो ट्रेट दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट या अपोजिट होते हैं तो सात कैरेक्टर लिया जब तो सात कैरेक्टर में चौदह ट्रेट होगा चौदह में से सात डोमिनेंट होगा सात रिसेसिव होगा तो आप देखिए जरा सीड सेप सीड सेप, डोमिनेंट ट्रेट है राउंड रिस, और रिसेसिव है रिंकल्ड सीड कलर में डोमिनेंट था येलो और रिसेसिव था ग्रीन फ्लावर कलर में डोमिनेंट था वाइलेट रिसेसिव था व्हाइट पॉड सेप में डोमिनेंट था फुल या इनफ्लेटेड और रिसेसिव था कंस्ट्रक्टेड पॉड कलर में डोमिनेंट था ग्रीन और रिसेसिव था येलो फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट था एक्सिल रिसेसिव था टर्मिनल स्टेम हाइट में डोमिनेंट था टॉल और रिसेसिव था डीड सेप गोला कर राउंड पिचका हुआ रिंकड़ था ना और ऐसे सीड कलर में डोमिनेंट था येलो रिसेसिव था ग्रीन सीड कलर और पॉड कलर में डोमिनेंट और रिसेसिव उल्टा है सीड कलर में येलो डोमिनेंट है पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है ध्यान देना पॉड जो मटर खाते हो ना छिलका उसका सीड उसका जो छिलका होता है बेटा छीमे जिसको बोलते हैं ना पॉड कलर और पॉड से फूला वाला मटर आप खरीदते हो ना जिसका छीमे एकदम फूला हुआ हो इनफ्लेटेड या फुल और पिचका हुआ कंस्ट्रिक्टेड होता है वो रिसेसिव है फ्लावर पोजिशन टिप पे है एकदम तो टर्मिनल है वो रिसेसिव है एक्सिल पे है तो एक्सिल स्टेम टेम है टॉल डोमिनेंट है और डॉर्फ रिसेसिव है तो ये सात कैरेक्टर लिया जिसमें सात डोमिनेंट और सात रिसेसिव एलि करेक्ट्रेट थे तो सात ट्रेड डोमिनेंट सात ट्रेड रिसिव तो सात कैरेक्टर में कुल बार के चौदह ट्रेट हो गया चौदह ट्रो ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी उन्होंने लिया था अब बेटा लोकेशन ऑफ ट्रेड ऑन क्रोमोसोम हम क्रोमोसोम पे लोकेशन दिखा दिए हैं सातों कैरेक्टर का हमने बताया था मेंडेलियन कैरेक्टर मेंडेलियन कैरेक्टर फॉर मोनोजेनिक एंड डाई एलेलिक मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडल एक्सप्रेशन ऑफ ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई वन जीन हैविंग टू एलील्स एक जीन के दो एलील होते हैं मेंडल के अकॉर्डिंग तो एक करेक्टर में दो ट्रेड भी होता है जीन कंट्रोल करता है करेक्टर के एक्सप्रेशन को और एलील कंट्रोल करता है ट्रेड के एक्सप्रेशन को तो सात कैरेक्टर के लिए सात जीन था चौदह एलील रहा होगा तो बताइए ये सातों केक्टर के जीन कहाँ बैठे थे ये एस ब्लिक्सड साहब थे एस ब्लिक्सड ही डेवलप्ड द कैरियोटाइप ऑफ पी प्लांट इन्होंने पी प्लांट का कैरियोटाइप डेवलप किया और बताया कि जो मेंडल साहब सात कैरेक्टर लिए थे कौन कौन सा जीन किस क्रोमोजोम पे था ऑल सेवन जीन्स लोकेटेड ऑन फोर क्रोमोजोम्स चार अलग अलग क्रोमोजोम पे ध्यान देना चार क्रोमोजोम पे सात कैरेक्टर के जीन बैठे थे कौन कौन सा क्रोमोजोम था वन फोर फाइव सेवन क्रोमोजोम नंबर वन क्रोमोजोम नंबर फोर क्रोमोजोम नंबर फाइव और क्रोमोजोम नंबर सेवन चार क्रोमोजोम पे ये सात कैरेक्टर के जीन थे सीड सेप वाला सेवन पे बैठा था सीड कलर और फ्लावर कलर वाला वन पे था और पॉड सेप वाला फोर पे था पॉड कलर वाला फाइव पे था फ्लावर पोजीशन वाला क्रोमोजोम नंबर फोर पे था स्टेम हाइट वाला क्रोमोजोम नंबर फोर पे था और ये वाला आप देखिए ये पॉड सेप और स्टेम हाइट ये दो करेक्टर वाले जीन जैसे आपको पता है क्रोमोजोम नंबर फोर पे थे क्रोमोजोम नंबर पे तीन कैरेक्टर के जीन थे और ये जो पॉड सेप और हाइट ये एकदम क्लोज थे क्लोज्ड ऑन क्रोमोसोम क्रोमोसोम फोर ये क्रोमोजोम नंबर पे एकदम बगल बगल थे इनके बीच में ना कुछ लिंकेज था स्लाइटली लिंक्ड थे ये इनके बीच में लिंकेज था एक ही क्रोमोजोम पे एकदम बगल बगल बैठे थे बल्कि ये फ्लावर पोजीशन वाला कुछ दूर था ये बगल बगल थे इनके बीच में कुछ लिंकेज था ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा लिख लीजिए आप इसको लिख लीजिए नोट कर लीजिए तो ये बताइए सात करेक्टर तो और चार क्रोमोजोम तो देखिए चार क्रोमोजोम कौन सा था एक चार पाँच सा चौदह सत्तावन चौदह सत्तावन मतलब क्रोमोजोम नंबर वन क्रोमोजोम नंबर फोर क्रोमोजोम नंबर फाइव क्रोमोजोम नंबर सेवन और चौदह सत्तावन तेईस ग्यारह याद रखना क्रोमोजोम नंबर वन पे दो करेक्टर बैठा था देखो ये देखो वन पे दो करेक्टर बैठा था सीड कलर और फ्लावर कलर फोर पे तीन करेक्टर बैठा था फाइव पे एक करेक्टर का जीन था सेवन पे क्रोमोजोम नंबर सेवन पे वन करेक्टर था तो चौदह सौ सत्तावन तेईस ग्यारह याद रखना, ना चौदह सत्तावन तेईस ग्यारह क्रोमोजोम नंबर वन पे तीन दो करेक्टर फोर पे तीन करेक्टर फाइव और सेवन पे वन वन करेक्टर के जीन थे तो आप इसको नोट कर लीजिए लिख लीजिए बेटा यहाँ पे ध्यान देना बेटा मेंडल साहब जो थे ना मेंडल पब्लिश्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1865 आपको पता है 1856 से लेके 1863 तक सेवन ईयर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और दो साल बाद उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश करवाया एक मैगजीन था जिसका नाम था ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी मैगजीन में उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया जिसमें अपना एक्सपेरिमेंट लिखा था और टाइटल था एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट ऑन इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ये उनके पेपर का टाइटल था तो 65 में 1865 में पब्लिश करवाया बट हिज कंसेप्ट रिमेन बट हिज कंसेप्ट रिमेन अनरिकोग्नाइज टिल 1900 तो बेटा ध्यान दिया 65 में पब्लिश करवाया और 35 साल तक लोगों ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया 1900 तक सन 1900 तक कोई उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया मतलब सिक्सटी फाइव में पब्बीस में पैंतीस साल तक किसी का ध्यान ही नहीं गया और 84 में तो मेंडल साहब का डेथ भी हो गया था तो किसी का ध्यान ही नहीं गया तो तीन साइंटिस्ट आए बेटा ध्यान देना हम अभी आपको रीजन बताएंगे वजह बताएंगे कि मेंडल का जो कंसेप्ट था इतने टाइम तक लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया और दूसरी बात रिडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म मेंडेलियन कंसेप्ट का मेंडेलिज्म मतलब मेंडेलियन कंसेप्ट मेंडेलियन पॉस्टूलेट्स मेंडेलियन लॉज वो रीडिस्कवरी कैसे हुआ जो इतना अंधेरे में गुमनामी में खो गया था लोगों का ध्यान नहीं गया था तो फेमस कैसे हो गए मेंडल साहब हम बताएंगे आपको तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलिज्म अकर्ड इन 1900 1900 में मेंडेलियन कंसेप्ट का रीडिस्कवरी हुआ बाय थ्री साइंटिस्ट तीन साइंटिस्ट थे और तीनों ने इंडिपेंडेंट काम किया ये नहीं कि एक साथ काम किया ना बाय थ्री साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली तीन साइंटिस्ट थे तीनों ने इंडिपेंडेंट काम किया और तीनों ने मेंडेलियन कंसेप्ट का रीडिस्कवरी किया क्या नाम था ह्यूगो डिब्रीज कार्ल कोरेंस और एरिक एरिकवन सरमैक सेर्वैक तीन लोग थे तो ह्यूगो डिब्रीज ने इनको इनका नाम सुना होगा म्यूटेशन थ्योरी भी इन्होंने दिया था मेज प्लांट एक्सपेरिमेंट भी किया था इन्होंने और म्यूटेशन थ्योरी दिया था इनोथेरा लेमार्किना में ह्यूगो ह्यूगोडिबरीज साहब को मंडल का एक रिसर्च पेपर मिल गया एक पेपर मिल गया और उन्होंने इस पेपर को पब्लिश करवाया किताब में फ्लोरा फ्लोरा मैगजीन में पब्लिश भी करवाया था ये जो कार्ल कोरेन साहब थे ही गेव मिंडल्स पॉस्टुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉज इन्होंने मिंडल का जो पॉस्टुलेट था मिंडल के पॉस्टुलेट को लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट कराया था ह्यूगो ये कार्ल कोरेन साहब ने तो तीन लोग थे तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके मिंडल के कंसेप्ट को प्रूव किया कि ये तो बिल्कुल सही था इन इनका जो कंक्लूजन आया वो 35 साल पहले मिंडल साहब पहले ही पब्लिश करवा चुके थे तब पता चला कि मिंडल तो एकदम सही काम किया था उसका एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल सही था तब लोगों को पता चला वाह मेंडल तो मेंडल था भाई तो हम दो चीज़ बताने वाले हैं वायुमेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट मेंडल साहब ने पी प्लांट क्यों लिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए और दूसरा मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड फॉर मैनी ईयर्स मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था ये कई साल तक अनोटिस्ड क्यों रहा लोगों ने इसको ध्यान क्यों नहीं दिया लोगों का ध्यान इस पर क्यों नहीं रह गया अननोटिस्ड क्यों रहा और मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया ये दोनों चीज़ आपको हम बताने वाले हैं ठीक है तो आप इस पर देखिए जरा वाई मिंडल सेलेक्टेड पी प्लांट मिंडल ने पी प्लांट क्यों लिया ये आप देखिए जरा एक्चुअल ये लिखाएंगे नहीं सिर्फ आप सुनो मिंडल ने पी प्लांट क्यों लिया पहली बात तो जो पी प्लांट है ये एनुअल प्लांट है शॉर्ट लाइफ स्पैन है इसका और प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा तो जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा पहली बात और दूसरी बात इसमें प्रजेंस ऑफ कंट्रास्टिंग प्रजेंस ऑफ ईजिली ऑब्जर्वेबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स या कैरेक्टर्स मटर में इजिली ऑब्जर्वेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट है कंट्रास्टिंग मतलब एक प्लांट टॉल है तो डॉर्फ भी है फ्लावर कलर वायलेट है तो वाइट भी है कंट्रास्ट एकदम था तो कंट्रास्ट के बीच में इनको क्रॉस कराने का मौका मिल गया एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मिल गया और तीसरी बात जो मटर प्लांट मटर का प्लांट है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसका मोनेसियस प्लांट है उसका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है मेल फीमेल एक ही में होता है ट्रू ब्रीडिंग होता है मतलब उसमें सेल्फिंग हो जाता है लेकिन इमेस्कुलेशन से क्रॉस ब्रीडिंग भी कराया जा सकता है अपने हिसाब से अपने चॉइस का पॉलिंग ग्रेन ट्रांसफर कराया जा सकता है तो मिंडल साहब ध्यान देना मिंडल साहब वाज द फर्स्ट पर्सन फर्स्ट साइंटिस्ट हु परफॉर्म्ड इमेस्कुलेशन इन प्लांट सबसे पहले इमेस्कुलेशन मिंडल साहब ने ही किया था इमेस्कुलेशन का मतलब एंथर को हटा के रिमूव कर देना कट करके हटा देना इमेस्कुलेशन सबसे पहले इन्होंने किया था इसलिए मंडल को प्लांट सर्जन भी बोलते हैं मेंडल वाज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु परफॉर्म्ड इमेस्कुलेशन इन प्लांट्स आल्सो कॉल्ड प्लांट सर्जन तो इमेस्कुलेशन करा के क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो तो so, यही वजह था मेंडल साहब ने मटर का प्लांट सेलेक्ट किया अब बात ये उठता है वाई मेंडल्स वर्क रिमेन अन नोटिस अनरिकोगनाइज फॉर मैनी ईयर्स मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है इतने साल तक अंधेरे में क्यों रहा लोग उसको समझ क्यों नहीं पाए ये हम बात बताने वाले हैं तीन चार पॉइंट है इसमें ठीक है 65 में पब्लिश करवाया और 1900 में जाके लोगों को पता चला पैंतीस साल तक अंधेरे में रहा डार्क पीरियड में रहा क्यों ये हम बताने वाले हैं पहली बात एक तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना आसान था नहीं जैसे कि अब जितना आसान कम्युनिकेशन है आज के टाइम पे उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना आसान था नहीं अब तो कोई भी चीज़ होता है तो व्हाट्सअप फेसबुक से ही लोगों को पता चल जाता है तुरंत रायता की तरह फैल जाता है ग्रुप से ग्रुप में फैल जाता है कसम भी दिला देते हैं तुमको भोले बाबा की कसम है तुमको मम्मी की कसम है पापा की कसम है इसको फैलाओ भेजो ट्रांसफ़र करो उस टाइम पर ऐसा नहीं था अब कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के पहले ही ना कैमरामैन पहुँच जाता है कैमरा मैन के यू पहले एक्सपेरिमेंट अभी हो रहा है कैमरामैन पहले ही कैमरा लेके आ गया पहले ऐसा नहीं होता था बेटा पहले कम्युनिकेशन इतना आसान था नहीं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल था ठीक है ये कम्युनिकेशन इतना आसान था नहीं पहली बात और दूसरी बात मेंडल का जो कंसेप्ट था फैक्टर का जीन का जीन पेयर में होता है मेंडल ने बोला एलिलिक पेयर जीन पेयर में होता है और एलिन का आपस में ब्लेंडिंग नहीं होता मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दोनों एलिन हैं तो प्लांट टॉल बनेगा ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल डी स्मॉल टी दोनों का ब्लेंडिंग हो गया इंटरमीडिएट हो गया मेंडल साहब को ब्लेंडिंग पता ही नहीं था तो मेंडल साहब का जो कंसेप्ट था पेयर ऑफ फैक्टर का दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर एंड डू नॉट सो एनी ब्लेंडिंग वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट उस टाइम पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे डार्विन साहब हुआ करते थे तो वो लोग मेंडल के कंसेप्ट का एक्सेप्टेंस ही नहीं किया कि मेंडल का जो कंसेप्ट था पेयर ऑफ फैक्टर एज अ डिस्क्रीट यूनिट दैट डू नॉट सो ब्लैंडिंग एंड कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे मिंडल के कंसेप्ट को एक्सेप्ट किए ही नहीं और उस टाइम पर कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन उस टाइम पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे ठीक है और उसके अलावा आप अगर देखिए तो मिंडल साहब मैथमेटिक्स मैथमेटिकल लॉजिक यूज कर रहे थे स्टेटिस्टिक्स यूज कर रहे थे बायोलॉजी में जो बिल्कुल नया था टोटली न्यू था एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर द कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट बायोलॉजी में मैथ यूज कर रहे थे तो ये कैसे लोगों को एक्सेप्ट होता भाई मैथ नहीं आता था तभी तो लोग बायोलॉजी ले लेते हैं और ये बायो में मैथ यूज कर रहे थे ये लोगों को एक्सेप्ट बिल्कुल नया लगा और अनएक्सेप्टेबल लगा ठीक है और मेंडल वॉज अनेबल टू प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर मेंडल ने बोला कैरेक्टर का एक्सप्रेशन को फैक्टर कंट्रोल करता है फैक्टर है क्या बस सिर्फ मिंडल साहब मुंह से बोलते रहे हवा हवाई बोलते रहे कोई फिजिकल प्रूफ रिटर्न प्रूफ कहीं पे नहीं दे पाए कि फिजिकल ये फैक्टर है क्या मिंडल वाज अनेबल टू प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स तो आप ये इसको लिख लीजिए नोट कर लीजिए फिर आगे हम और भी बात करते हैं तो मिंडल साहब ने कई सारे प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया पाइसम सट एवं गार्डन पी के ऊपर हॉकविड हाय, हायरेसियम होता है बीन के ऊपर लवलब बीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया लेकिन बीन में और हॉकीवीड में हरेसी मतलब हॉकीवीड में अपना रिजल्ट पब्लिश नहीं मतलब रिजल्ट प्रूव नहीं कर पाए एपोमिक्ट प्लांट था हॉकी उस पर प्रूव कर ही नहीं पाया अपना एक्सपेरिमेंट मेंडल का एक्सपेरिमेंट तो सेक्सुअल प्रोडक्शन पे था ना और वो एपोमिक्सिस वाला प्लांट था तो उस पर कैसे आ जाता रिजल्ट तो मेन प्लांट था इनका पाइसम सटाइवम अब हम आपको मिंडल का क्रॉस क्रॉस बताएंगे बताएंगे इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ऑफ ऑफ वन जीन जीन टू ये सब बताएंगे आपको हम तो आप इसको लिख लीजिए नोट कर लीजिए पहले ध्यान <coughs> देना मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट यहां पे हम मेंडल्स साहब का एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं जो पी प्लांट के ऊपर उन्होंने किया था मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल्स साहब का एक्सपेरिमेंट जो पी प्लांट के ऊपर था आप देखिए ही टुक बाई सेक्सुअल पी प्लांट फ्लावर मेंडल साहब ने बाई सेक्सुअल पी प्लांट फ्लावर लिया ठीक है मेंडल ने मटर के किसी प्लांट से फ्लावर लिया और फ्लावर तो नेचुरली क्या होता है बाई सेक्सुअल होता है और वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना चाहते थे क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते थे क्रॉस हाइबोडाइजेशन कराना चाहते थे ठीक है तो मिंडल Mindle का मिंडल्स क्रॉस हाइबाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट कैसे उन्होंने क्रॉस हाइवडाइसन कराइए हम ले, बता रहे हैं आपको तो बायसेक्सुअल पी प्लांट लिया इन्होंने बायसेक्सुअल फ्लावर लिया अब उसमें से जो मेल था मेल को सीजर से कैची से कट करके हटा दिया एंथर को काट के हटा दिया इमेस्कुलेशन बोलते हैं इसको रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बायोसेक्सुअल फ्लावर और जब मेल को हटा दिया तो सिर्फ फीमेल ही बचा तो फीमेल पैरेंट मिल गया इनको इनको एक्चुअल में सेल्फ पॉलीनेशन रोकना था क्रॉस पॉलिनेशन कराना था अपने चॉइस के हिसाब से पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफर करना था अच्छे किस्म के पॉलिन ग्रेन को अब फीमेल पेरेंट इनको मिल गया अब फीमेल पेरेंट मतलब होगा पिस्टिल में ovry होगा में स्टिग्मा स्टाइल के अंदर होता है अब इन्होंने क्या किया एक दूसरा प्लांट लिया मटर का ही एक दूसरा प्लांट लिया और जो अच्छे किस्म का अच्छे जोनो टाइप वाला था मेल पेरेंट सेलेक्ट किया अब मेल पेरेंट से इन्होंने क्या किया आइसोलेट कर लिया पॉलन ग्रेन को आइसोलेटेड ही आइसोलेटेड पोलिन ग्रेन फ्रॉम दिन स्टेमन से एंथर से पोलिन ग्रेन को आइसोलेट कर लिया एंथर से पोलिन ग्रेन को आइसोलेट कर लिया और उस पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा के सरफेस पे डस्टिंग कर दिया क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया क्रॉस हाइबाइसन करा दिया अब पॉलिनेशन होगा फर्टिलाइजेशन होगा डबल फर्टिलाइजेशन होगा ओबे से सीड बनेगा अब वो जो सीड बनेगा उस सीड को मेंडल साहब ने फील्ड में बो दिया गार्डन में बो दिया तो उससे जो प्लांट बना वो था एफोन हाइब्रिड एफोन हाइब्रिड था अगर फीमेल स्मॉल टी स्मॉल टी थी मेल कैपिटल टी कैपिटल टी था तो यह जो हाइब्रिड बना होगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी रहा होगा हाइब्रिड था अब इस हाइब्रिड सीड को जब खेत में बोया उससे प्लांट बना एफन हाइब्रिड प्लांट बना अब प्लांट में फिर से फ्लावर लगेगा और फ्लावर तो नेचुरली बाइसेक्सुअल ही होगा ना मेल फीमेल एक ही फ्लावर में होता है मटर में अब उनका आपस में सेल्फिंग होने दिया उसी फ्लावर में जो मेल फीमेल था उनका सेल्फिंग होने दिया एफ वन हाइब्रिड का सेल्फिंग होने दिया और सेल्फिंग से सेल्फिंग हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ फिर से जो अगला जनरेशन में सीड बनेगा वो एफ टू जनरेशन होगा तो उस सीड को बोगे तो एफ टू जनरेशन का आपको प्लांट मिल जाएगा तो एफ वन के सेल्फिंग से जो प्लांट मिला वो एफ टू जनरेशन था ठीक है ये ये एक्सपेरिमेंट हमने दिखा दिया मेंडल का ये मेंडल मेंडल्स क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ध्यान देना मेंडल्स क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट था अब हम आपको बताने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन मेंडल साहब आपका जो एक्सपेरिमेंट था दो टाइप का किया एक तो उन्होंने कराया मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक दूसरा उन्होंने कराया डाई हाइब्रिड क्रॉस तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है आप ये समझिएगा तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ठीक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ऐसे हम बताएंगे अभी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन तो वन जीन इनहेरिटेंस क्या है क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स पी प्लांट्स डिफरिंग इन वन करेक्टर वन कैरेक्टर मतलब टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इज कॉल्ड इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस ध्यान देना अगर किसी दो पी प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं जिनमें सिर्फ सात कैरेक्टर मंडल ने लिया था छह करेक्टर एकदम सेम है छह करेक्टर एकदम सेम है सिर्फ एक करेक्टर डिफर कर रहा है एक करेक्टर मतलब मान लो एक प्लांट टॉल है दूसरा डॉर्फ है सिर्फ एक करेक्टर का डिफरेंस है दो ट्रेड का डिफरेंस है बाकी सारे कैरेक्टर सेम थे तो ऐसे क्रॉस को हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसे आप देखिए एग्जाम्पल स्टेम हाइट लिया बाकी छह कैरेक्टर सेम थे स्टेम हाइट में डिफरेंस था एक टॉल प्लांट था दूसरा ड्वार्फ था मेल को ले लिया प्योर टॉल मान लीजिए फीमेल को ले लिया प्योर ड्वार्फ अब होमो जाएगा से तो गर्मेट बनेगा एक ही टाइप का इससे भी एक टाइप का इसको क्रॉस करा के एफ ऑन हाइब्रिड बना कैपिटल डी टी हाइब्रिड टॉल है अब हाइब्रिड टॉल का सेल्फिंग करा दिया बिल्कुल ऐसे ही अब इससे देखिए हाइब्रिड वाले से इससे दो टाइप का गर्मेट बनेगा इससे भी दो टाइप का गर्मेट बनेगा तो इसका इससे क्रॉस कराया ये बना इसका इससे कराया ये बना इसका इससे कराया ये बना इसका इससे कराया ये बना मतलब मेल के दोनों गैमेट्स को इससे दो टाइप का गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी इससे भी दो टाइप का बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी अब मेल के दोनों गैमेट्स को फीमेल के दोनों गैमेट से क्रॉस कराना है तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी एक बार मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार मिलेगा स्मॉल टी स्मॉल टी एक बार मिलेगा तो जीनो टाइप रेसव्यू क्या आया वन टू वन ई जीनोटाइप के चार में से एक प्लांट मिलेंगे चार में से एक प्लांट मतलब सौ में से पच्चीस ई जीनोटाइप के दो प्लांट मिलेंगे चार में से मतलब पचास परसेंट मतलब सौ में से पच्चीस ऐसे पचास ऐसे होंगे और ई जीनोटाइप के सिर्फ एक प्लांट मिलेंगे चार में से मतलब सौ में से पच्चीस मिलेंगे तो ये बताए वन टू वन का रेशियो आया फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा ई जीनोटाइप वाला टॉल होगा ये भी टॉल होगा ये भी टॉल होगा मतलब चार में से तीन टॉल होंगे एक ड्वार्फ होगा तो जीनेटिपिक रेशियो वन टू वन फिनोटिपिक रेशियो थ्री इज टू वन आया तो एक प्योर टॉल होगा दो हाइब्रिड टॉल होंगे एक डॉर्फ होगा वन बाई फोर टू बाई फोर वन बाई फोर मतलब वन टू वन का रेशियो और थ्री इज टू वन का मतलब तीन टॉल होंगे एक डॉर्फ होगा टॉल होगा थ्री बाई फोर डॉर्फ होगा वन बाई फोर अगर प्योर टॉल की बात करें हाइब्रिड टॉल की बात करें तो वो जीनोटिपिक रेशियो बात कर रहा है आपसे पूछ रहा है और सिर्फ टॉल डॉर्फ की बात करें मतलब फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रहा है तो आप इसको लिखिए जरा नोट करिए आप इसको लिख लीजिए नोट करिए जरा तो पनेट स्क्वायर चार्ट या चेकर बोर्ड तो अभी जस्ट हमने दिखाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया था एक कैरेक्टर को लेके हमने क्रॉस दिखाया था बेटा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो पनेट स्क्वायर क्या है गिवन बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट आरसी पनेट रेगीनाल्ड रेगिनाल्ड सी पनिट आरसी पनिट ने पनेट स्क्वायर चार्ट दिया था पनिट स्क्वायर इज यूज इंपॉर्टेंट है ये ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे आरसी पनिट एक बार तो यही पूछ लिया था कि ये ब्रिटिश है कि अमेरिकन है क्या है तो पनिट स्क्वायर इज यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनो टाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स ऑप्टेंड इन अ जेनेटिक क्रॉस किसी जेनेटिक क्रॉस में कितने अलग अलग जिनो टाइप के ऑफ स्ट्रिंग मिलेंगे उसका प्रोबेबिलिटी कितना है ये पर्नेट स्क्वायर दिखाता है जैसे अभी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाए थे तो एफोन हाइब्रिड का जिनो टाइप क्या था कैपिटल डी स्मॉल टी था इसका सेल्फिंग करा दिए थे कैपिटल डी स्मॉल टी से थे तो इससे दो टाइप का गैमेट बनेगा कैपिटल डी स्मॉल टी इससे भी दो टाइप का गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी तो जाहिर सी बात है ये गैमेट एक बना है स्टेमिन में एक बना है पिस्टिल में एक मेल गैमेट्स है एक फीमेल गैमेट्स हैं तो पनेट स्क्वायर जो होता है उसमें एक ऐसे बॉक्स की तरह होता है इसको चेकर बोर्ड भी बोलते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे फीमे मेल गैमेट को दिखाया जाता है जैसे ये मेल है कैपिटल टी स्मॉल टी ये बना है नीचे की तरफ बाएं साइड में फीमेल गैमेट्स को दिखाते हैं फीमेल को फीमेल से भी दो टाइप का गैमेट बना है कैपिटल टी स्मॉल टी अब फीमेल के दोनों गर्मिट को मेल के दोनों गर्मिट से क्रॉस करा दो तो इसका इससे कराओगे कैपिटल टी capital टी इसका इससे कराओगे कैपिटल टी, स्मॉल टी इसका इससे कराओगे कैपिटल स्मॉल टी इसका इससे क्रॉस कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी टी बनेगा अब ये बताइए जिनोटिपिक रेशियो क्या होगा ये सिर्फ एक बार बना कैपिटल डी कैपिटल्टी एक बार बना ये दो बार बना कैपिटल डी स्मॉल्टी ये एक बार बना तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गया जिनोटिपिक रेशियो आ गया वन टू वन मतलब वन बाई फोर पेटल वन टू बाई फोर मतलब वन बाई टू हाइब्रिड टॉल और वन बाई फोर रिसेसिव मतलब डॉफ बनेगा तो ये रेशियो दिखा दिया तो पनेट स्क्वायर जो होता है किसी भी जेनेटिक क्रॉस में कितने अलग अलग जीनोटाइप के ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उनका ये प्रोबेबिलिटी दिखाता है जिसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर आप इसको नोट करिए अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड है क्रॉस के बारे में डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ इनहेरिटेंस ऑफ इन्हेरिटेंस ऑफ टू जींस ध्यान देना इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में बात करेंगे मतलब एक साथ में दो जीन ट्रांसफर होगा इनहेरिट होगा मोनोहाय में एक करेक्टर हम लेते हैं तो एक करेक्टर लेंगे तो एक ही जीन जाएगा ना मेंडेलियन कैरेक्टर व मोनोजेनिक एंड डाइलिक मेंडल साहब एक साथ एक, सा, एक बार में जैसे मेंडेलियन करेक्टर मतलब सात कैरेक्टर था तो सात जीन रहा होगा मतलब चौदह एलियन रहा होगा ये हमने बताया था आपको अकॉर्डिंग टू मेंडल एक्सप्रेशन ऑफ हिच करेक्टर इज वन जीन हैविंग टू तो मेंडेलियन कैरेक्टर मोनोजेनिक था और डाई एलियनिक था डाई हाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स तो आप इसमें देखिए क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स डिफरिंग इन टू कैरेक्टर्स दो कैरेक्टर का जिसमें डिफरेंस हो और दो करेक्टर का डिफरेंस होगा मतलब चार ट्रेड का डिफरेंस होगा जैसे एग्जाम्पल सीड सेप एंड सीड कलर सीड सेप एक करेक्टर हुआ सीड कलर दूसरा करेक्टर हुआ सीड सेप में डोमिनेंट है राउंड रिसेसिव है रिंकल्ड और सीड कलर में डोमिनेंट है येलो और रिसेसिव है ग्रीन तो दो करेक्टर हो गया ना सीड सेप और सीड कलर सीड सेप में राउंड रिंकल्ड हो गया सीड कलर में येलो और ग्रीन हो गया ये कैरेक्टर हो गया अब इन दोनों करैक्टर को लेके हम क्रॉस दिखाएंगे तो उस क्रॉस को हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस तो कैसे दिखाएंगे क्रॉस अभी अभी आप देख लो जरा तो ध्यान देना बेटा तो यहाँ पे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं दो करैक्टर को लेके इकट्ठे हम क्रॉस करा रहे हैं ठीक है राउंड राउंड येलो ये मेल पैरेंट हो गया और रिंकल्ड ग्रीन ये रिंकल्ड ग्रीन ये फीमेल पैरेंट हो गया मान लीजिए ठीक है रिंकल्ड ग्रीन ये फीमेल पेरेंट हो गया राउंड येलो मतलब राउंड सीड सेप और येलो सीड कलर दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट है रिंकल्ड ग्रीन मतलब रिंकल्ड सीड कलर और रिंकल्ड सीड सेप और येलो सीड कलर मतलब दोनों कैरेक्टर रिसेसिव है तो होमो जाएगा सही ये भी होमो जाएगा सही एक ही टाइप का गैमेट बनेगा कैपिटल और कैपिटल वाई एक ही टाइप का मतलब गैमेट तो बहुत सारा बन सकता है मिलियन बिलियंस में बन सकता है लेकिन सबका जीनोटाइप एक ही होगा कैपिटल वाई कैपिटल और कैपिटल वाई और इससे भी एक टाइप का गैमेट बनेगा स्मॉल और स्मॉल बाई दो गैमेट को फ्यूज करा दो मेल फीमेल हाइब्रिड क्या बनेगा कैपिटल कैपिटल स्मॉल बाई ये देखो ये दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है ना ये सीड सेप के लिए हाइब्रिड है ये सीड कलर के लिए हाइब्रिड है दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है इसलिए इसको बोला है डाई हाइब्रिड डाई हाइब्रिड मतलब ये दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है तो हाइब्रिड राउंड येलो दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड हो गया एक तो सीड सेप के लिए दूसरा सीड कलर के लिए अब इसका सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया जब जाहिर सी बात है फ्लावर तो बाई होगा उसमें मेल फीमेल दोनों होगा तो मान लीजिए ये मेल है स्टेमेन है ये पिस्टल है सेल्फिंग करा दोगे जब तो इससे चार टाइप का गैमेट बनेगा चार टाइप का गैमेट इससे बनेगा चार टाइप का गैमेट इससे बनेगा चार कैसे एक करेक्टर के दोनों एलील को एक करेक्टर के दोनों एलील को दूसरे करेक्टर के दोनों एलील से ना कॉम्बिनेशन बना के गैमेट बना लो तो देखो इससे दो टाइप का बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर इससे भी दो टाइप का बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई का आपस में कॉम्बिनेशन बना दोगे तो चार टाइप का बन जाएगा देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई चार टाइप का गर्मेट बन गया ऐसा सेम यहां भी चार टाइप का गर्मेट बन जाएगा अब पनेट स्क्वायर हमने बना दिया यहां पे फीमेल के चारों गैमेट को लिख दिया यहां पे मेल के चारों गैमेट को लिख दिया और जब देखो इस गैमेट को इन चारों से क्रॉस कराओ तो ये चार ऑफिस फ्रिंग मिल गए इनको इन चारों से कराओगे तो ये चार तो मिल जाएंगे इस जीनोटाइप वाले एग सेल को गैमेट को फीमेल गैमेट को इन चारों से कराओगे तो इस जीनोटाइप के प्लांट मिल जाएंगे इसका इन चारों प्लांट से क्रॉस कराओगे तो इस जीनोटाइप के प्लांट मिल जाएंगे तो कुल मिला के जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा ये डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो है बेटा ध्यान देना मोनो हाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो क्या है वन टू वन तो डाई हाइब्रिड में क्या आएगा याद रखना मोनो इंटू मोनो बराबर डाई हाइब्रिड मोनो मोनोहाइब्रिड इंटू हाइब्रिड बराबर डाई हाइब्रिड हो जाएगा तो बताइए जीनोटिपिक रेशियो कैसे आएगा डाई हाइब्रिड का मोनो हाइब्रिड का याद है ना वन टू वन था तो मोनो इंटू मोनो बराबर डाई हाइब्रिड तो मोनो तो हाइब्रिड का वन टू वन वन टू वन इंटू वन टू वन कर दो दो बार मोनो हाइब्रिड कर दो जो आएगा वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा तो बताइए क्या आया वन टू वन टू फोर टू वन टू वन आएगा करके देख लो आप वन टू वन टू फोर टू वन टू वन ये डाई हाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो आया और फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा मोनो इंटू मोनो बराबर डाई हाइब्रिड तो मोनो हाइब्रिड में फिनोटाइप क्या था थ्री इज टू वन तो मोनोहाइब्रिड का मोनोहाइब्रिड से क्रॉस करा दो थ्री टू वन का थ्री टू वन से क्रॉस मतलब थ्री टू वन का थ्री टू वन से ना मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा डाई हाइब्रिड होगा तो क्या आएगा नाइन थ्री थ्री वन आएगा रेशियो ये डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो आया तो ये बताइए वन का मतलब क्या है एक बटे सोलह दो का मतलब दो बटे सोलह एक बटे सोलह दो बटे सोलह चार बटे सोलह दो बटे सोलह एक बटे सोलह दो बटे सोलह एक बटे सोलह ये अलग अलग मतलब प्लांट तो टोटल सोलह है ना चार चार आठ बारह सोलह सोलह प्लांट हैं सोलह में से नौ जेनेटिक कॉम्बिनेशन होंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन के सोलह प्लांट बनेंगे अब जैसे देखिए चार लिखा है चार चार का मतलब क्या है देखिए ये देखिए एक ही जीनोटाइप के चार प्लांट आपको दिख रहे हैं ये देखिए ना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल कैपिटल ये दोनों कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है इस जीनो के कितने प्लांट मिलेंगे सोलह में से देखो ऐसे देखो एक दो तीन चार चार प्लांट तो इसका मतलब है चार प्लांट इस जीनो के होंगे इस जीनो के कितने प्लांट होंगे सिर्फ एक ही है तो ये पता करना हो कि 16 में से इस पर्टिकुलर जीनो के कितने प्लांट हो तो एक फॉर्मूला लगा देना 2 का पावर n n का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड

तो नाइन थ्री थ्री वन का मतलब है बेटा नाइन थ्री थ्री वन ये फिनोटिपिक रेशियो है ये नाइन आएगा राउंड येलो मतलब जिसमें दोनों करेक्टर डोमिनेंट होंगे ये तीन क्या है ये राउंड ग्रीन है राउंड ग्रीन मतलब एक करेक्टर डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव पहला डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है इसमें दोनों डोमिनेंट है ये क्या है िंक येलो ये रिंकल्ड येलो है मतलब पहला कैरेक्टर रिसेसिव है दूसरा कैरेक्टर डोमिनेट है मतलब एक डोमिनेट एक रिसेसिव और यह क्या है यह है रिंकल्ड ग्रीन मतलब यहां पर दोनों कैरेक्टर रिसेसिव है ना ये दोनों तो यह सोलह में से नौ मिलेगा यह सोलह में से तीन मिलेगा यह सोलह में से तीन मिलेगा यह सोलह में से एक मिलेगा तो यह कितना मिला ये सोलह में से नौ मिला नौ बटे सोलह ये तीन बटे सोलह मिला ये तीन बटे सोलह मिलेगा और ये एक बटे सोलह मिलेगा तो ये बताइए हम पेरेंट क्या लिए लिए थे थे राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन मतलब ये राउंड येलो है तो ये पेरेंटल है ध्यान दो ये पेरेंटल है पेरेंट के पास यही था ना ये पैरेंटल था रिंकल्ड ग्रीन भी पैरेंटल था पैरेंट में तो यही हमने लिया था ना ये दोनों क्या हैं ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं हाइब्रिड है मतलब नया कॉम्बिनेशन आपको मिला रिकॉम्बिनेंट ये तो पेरेंट में लिया ही नहीं था ना तो बताइए पेरेंटल कितना हुआ नौ एक दस तो दस बटे सोलह ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया पेरेंटल पेरेंटल ऑफ स्प्रिंग और तीन तीन छ बटे सोलह आया रिकॉम्बिनेंट्स दस बटे सोलह का मतलब कितना परसेंट सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट रिकॉम्बिनेंट छः बटे सोलह है मतलब थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो कितना आएगा टेन एस टू सिक्सटीन का टेन एस टू सिक्स का रेशियो आएगा टेन एस टू सिक्स का रेशियो दस पेरेंटल छः रिकॉम्बिनेंट सोलह में से दस और छः में से सोलह में से छः ये रिकॉम्बिनेंट आएगा ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए जरा लिख लीजिए अच्छा मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या था मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या था हम बताए थे वन इज टू वन आया था ना जब कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी स्मॉल टी से क्रॉस किया था तो वन इज टू वन आया था तो डाई हाइब्रिड में क्या आएगा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आएगा बेटा मोनो इंटू मोनो मोनो इंटू मोनो कर दो डाई हाइब्रिड आ जाएगा और क्या मतलब वन इज टू वन इंटू वन इज टू वन कर दो तो क्या आया वन 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 ये आया तो ये आपको क्या मिल गया ये आपको मिल गया डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो ये आपको डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो मिल गया ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए लिख लीजिए जरा नोट कर लीजिए तो यहां पे ध्यान दे रहा मंडल्स पॉस्टूलेट्स मेंडल्स आपका क्या क्या पॉस्चुलेट था उनका उन्होंने क्या क्या चीज बोला क्या क्या पॉस्टुलेट था आप यहां पे देखिएगा जरा मेंडल्स पॉचुलेट सबसे पहला था पॉस्टूलेट फर्स्ट पेड़ फैक्टर का था ठीक है पॉस्टुलेट फर्स्ट थाइट का पेड़ फैक्टर्स का था पेड़ फैक्टर में क्या था एक्सप्रेशन ऑफ ईच कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ कैरेक्टर्स पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं एलियल्स तभी तो आप देखिए ना जब पेरेंट को हम दिखाते हैं तो पेरेंट में दो एलील लेते हैं जैसे टॉल लेना है प्योर टॉल तो कैपिटल टी कैपिटल टी दो बार एलील क्यों दिखाते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी क्यों दिखाते हैं इंडिविजुअल डिप्लॉयड है ना और डिप्लॉयड में तो दो एलील होगा भाई साहब तो वही तो एलील यह फैक्टर पेयर में होता है मेंडल साहब ने बोला था जैसे डॉर्फ दिखाना ना तो स्मॉल स्मॉल दो बार स्मॉल टी स्मटी क्यों लिखते हैं क्योंकि पेयर में होता है फैक्टर पेयर में होता है यह था दूसरा था पॉस्टुलेट सेकंड डोमिनेंस वाला था पॉस्टुलेट सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था ना वही था यह पॉस्टुलेट सेकंड इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी का स्मॉल स्मॉल से क्रॉस कराया है तो एफॉन हाइब्रिड क्या होगा कैपिटल टी स्मोल्टी एफोन हाइब्रिड में दोनों पेयर डिसिमिलर होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी है ना हेट्रोजाइगस है डिसिमिलर है तो डिसिमिलर ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर में सिर्फ एक ही फैक्टर होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करने देगा तो जो एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है एंड द अदर फैक्टर नॉट एक्सप्रेस कॉल्ड रिसेसिव ठीक है इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर डिसिमिलर एफोन हाइब्रिड में जो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है कैपिटल टी स्मॉल टी है ओनली वन एक्सप्रेस केवल एक ही फैक्टर एक्सप्रेस करता है कॉल्ड डोमिनेंट एंड द अदर फैक्टर नॉट एक्सप्रेस कॉल्ड रिसेसिव दूसरा एक्सप्रेस नहीं करता जिसको रिसेसिव बोलते हैं पॉस्टूल थर्ड क्या है थर्ड है बोथ द एलिय प्रेजेंट इन एफन हाइब्रिड एफन हाइब्रिड जो है जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है बोथ द एलिय प्रेजेंट इन एफन हाइब्रिड मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी डू नॉट गेट मिक्सड या ब्लेंड दोनों का मिक्सिंग नहीं होता ऐसा नहीं कि दोनों रील मिक्स कर गया और दोनों पेरेंट से रिजम्बल करने लगा ना दोनों पेरेंट से रिजम्बल नहीं करेगा गेट डू नॉट गेट मिक्सड एंड गेट सेग्रीगेटेड सेग्रीगेट कर जाता है सेपरेट हो जाता है फ्रॉम ईच अदर कैपिटल टी स्मॉल टी से सेग्रीगेट हो जाता है एट द टाइम ऑफ ग्रामिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग मियोसिस जब वो मियोसिस से ग्रामिड बनाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे सेग्रीगेट हो जाएंगे ये पॉस्टुलेट थर्ड था और इसी के बेसिस पे था ऑफ सेग्रीगेशन इसके बेसिस पे था लॉ ऑफ डोमिनेंस तो आप देखिए ये तीनों पॉस्टुलेट पहला दूसरा तीसरा ऑल द अब थ्री पॉस्टुलेट्स आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये तीनों पॉस्टुलेट बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है इनहेरिटेंस ऑफ वन जिन के ऊपर बेस्ड है ध्यान देना ये तीनों पॉस्टुलेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के ऊपर बेस्ड है मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेड फैक्टर ये सब कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये वन जीन इनहेरिटेंस के बेसिस पे इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है वन जीन इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है ये क्रॉस के ऊपर बेस्ड है ठीक है अब सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है आप देखिएगा यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस है एफ ऑन हाइब्रिड रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट इन द फिनोटाइप जो एफ ओन हाइब्रिड होगा उसका फिनोटाइप किसी एक पेरेंट से रिजम्बल करेगा ब्लेंडिंग नहीं होगा वेन टू कंट्रास्टिंग एलिय फॉर अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन ए हाइब्रिड एफ ऑन हाइब्रिड में जब दोनों कंट्रास्टिंग एलियल प्रेजेंट होते हैं तब only one is expressed completely called dominant and the other allele of the pair is not expressed called recessive usko recessive bolenge jo express nahi karega aur ye jo law of dominance hai this law is not universally applicable law of dominance universal nahi hota hai beta law of dominance universally applicable नहीं होता है क्यों क्योंकि इसके बहुत सारे exceptions हैं यार जैसे exceptions क्या क्या है Incomplete dominance है और codominance है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि इसके एक्सेप्शन हैं क्या क्या एक्सेप्शन हैं एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सेप्शन है, है तो इन्हीं एक्सेप्शन की वजह से ये लॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है ठीक है तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हम बात कर रहे थे तो इसमें आप देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप देखिए जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो F1 हाइब्रिड क्या मिला कैपिटल T स्मॉल t मिला ये है F1 हाइब्रिड है तो F1 हाइब्रिड में बेटा कैपिटल T स्मॉल t को एक्सप्रेस नहीं करने देगा ये डोमिनेंट होगा ये डोमिनेंट फैक्टर है और ये रिसेसिव फैक्टर है रिसेसिव तो ये जो F1 हाइब्रिड है ये टॉल ही, ही होगा हाइब्रिड जीनोटाइप का है ये और ये टॉल होगा ना इसका फिनोटाइप इस पेड से रिजेंबल करेगा ये टॉल है प्योर टॉल ये ये है है ठीक यह है ये, ये पेरेंटल जनरेशन है तो ये जो F1 हाइब्रिड है इसका फिनोटाइप सिर्फ एक ही पेरेंट से रिजेंबल करेगा डोमिनेंट वाले से रिसेसिव से नहीं करेगा मतलब ये डोमिनेंट होगा यह रिसेसिव होगा इसकी वजह से ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जो रिसेसिव वाला है तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है और लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस एक्सेप्शन है अब क्या क्या एक्सेप्शन है हम बता देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेस के बारे में हम बात कर लेते हैं आप इसको नोट कर लीजिए पहले तो यहां पे देखिएगा डेविएशन या एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने बताया था यूनिवर्सल नहीं है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि इसके एक्सेप्शन है तो क्या एक्सेप्शन है पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं ठीक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोला जाता है तो इसमें आप देखिए एफवन हाइब्रिड जो बनेगा एफ वन हाइब्रिड रिजेंबल्स नाइदर ऑफ द पेरेंट किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेगा जबकि लॉ ऑफ डोमिनंस में किसी एक से तो करना था कंप्लीटली ना यहां पे किसी से भी रिजम्बल नहीं करेगा एंड इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज ऑपटेंड मतलब दोनों एलील का ब्लेंडिंग हो जाएगा और इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिलेगा एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन स्नैप ड्रैगन को ही डॉग फ्लावर या एंटीनम मेजस भी बोला जाता है तो स्नैप ड्रैगन में भी मिलेगा और आपको मीराविलिश जलापा इसी को बोलते हैं फोर ओ क्लॉक प्लांट इन दोनों प्लांट के फ्लावर कलर में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिलेगा इसका स्टडी किया था स्टडीड बाई कार्ल कोरेंस कार्ल कोरेंस साहब ने मेराविलिश जलापा में ये स्टडी किया था ध्यान देना कार्ल कोरेंस साहब ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का स्टडी मिराबिलिस जलापा में किया था तो, ये साथ राइनम में भी मिलेगा। तो इसमें क्या था और ये व्हाइट फ्लावर होता है इसके बीच में क्रॉस कराया इससे कैम्रिड बनेगा कैपिटल आर इससे स्मॉल आर जब क्रॉस कराया तो एफ वन हाइब्रिड मिला कैपिटल आर स्मॉल आर ये पिंक बन गया ना तो रेड बना ना तो व्हाइट बना ये इन दोनों का इंटरमीडिएट बन गया ध्यान देना दोनों का इंटरमीडिएट बन गया पिंक रेड और वाइट दोनों का इंटरमीडिएट बन गया पिंक बन गया और जब पिंक का पिंक से ही क्रॉस करा दिया सेल्फिंग करा दिया तो इससे दो टाइप का गैमेट बनेगा इससे भी दो टाइप का गैमेट बनेगा तो एफ टू जनरेशन में बेटा F2 टू जनरेशन में जब सेल्फिंग करा दिया तो देखिए जीनोटिपिक रेशियो क्या है वन टू वन और फिनोटिपिक रेशियो भी वही आया वन टू वन मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर एक है कैपिटल आर स्मॉल आर दो है स्मॉल स्मॉल आर एक है मतलब जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आयान टू वन वन टू वन मतलब वन का मतलब वन बाई फोर रेड है टू बाई फोर पिंक है वन बाई फोर व्हाइट है तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों आप देखोगे दोनों सेम आएगा इनकम्प्लीट के, के केस में और दूसरा डेविएशन हम बता रहे हैं पहले आप इसको नोट कर लीजिए लिख लीजिए आप इसको लिख लीजिए बेटा नोट कर लीजिए दूसरा डेविएशन है कोडोमिनेंस को डोमेंस को डोमिनेंस केस में क्या होता है कि जो एफ ऑन हाइब्रिड होता है एफ ऑन हाइब्रिड दोनों पेरेंट से रिजेंबल करता है तो देखिए एफ ऑन हाइब्रिड रिजेंबल्स आइदर ऑफ द पेरेंट्स मतलब दोनों पेरेंट्स रिजेंबल करेगा रिजेंबल्स आइदर ऑफ द पेरेंट्स या बोथ ऑफ द पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स से रिजम्बल करेगा वन हाइब्रिड इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ये कोडोमिनेंस का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसमें जैसे मान लीजिए पेरेंट है मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप है ए ए ब्लड ग्रुप का है ठीक है ए ब्लड ग्रुप का और फीमेल पेरेंट है बी ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी होगा इनका जीनोटाइप क्या होगा आई ए आई ए दोनों प्योर हैं इसका बी है तो आई बी आई बी तो इनसे एक ही गैमेट बनेगा एक गैमेट बनेगा आई ए इससे एक बनेगा आई बी ये गैमेट है तो इनका क्रॉस कर जब कराओगे आप तो आई ए आई बी ये जो एफ वन हाइब्रिड होगा इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप मतलब दोनों पेरेंट से भी रिजम्बल जे, कर गया ए वाला भी आ गया बी वाला भी आ गया ए बी ब्लड ग्रुप आ गया अब ये जो एफ वन हाइब्रिड है एफ वन हाइब्रिड इसका इन ब्रीडिंग करा दिया सेल्फिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि आदमी है ना ब्लड ग्रुप है इसका आदमी है ये प्लांट तो है नहीं तो इसका हम इन ब्रीडिंग करा देंगे इन ब्रीडिंग मतलब ए बी वाले का ए बी से ही क्रॉस करा देंगे हम ये ए बी ब्लड ग्रुप का ए बी से ही जब क्रॉस करा देंगे तो आप देखिए आई ए आई ए आई ए आई बी आई ए आई बी और आई बी आई बी ये मिला तो बताइए एफ टू जनरेशन में ये वन ये दो बार है ये वन ये जीनोटिपिक रेशियो है ठीक है ये एफ टू जनरेशन का ये जीनोटिपिक रेशियो है और नीचे हम लिख देते हैं फिनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो तो यहाँ भी आपको मिलेगा वन टू वन ये ए ब्लड ग्रुप होगा इसका दो बंदे मिलेंगे आपको ए बी ब्लड ग्रुप वाले और ये मिलेंगे बी ब्लड ग्रुप वाले तो यहाँ भी ना जिनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या है सेम है सेम रेशियो बोथ सेम रेशियो दोनों एक ही रेशियो मिलेगा मतलब इनकम्प्लीट डॉमिनेस कोडॉमिन दोनों केस में जिनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होगा सेम होगा तो ये ए बी ब्लड ग्रुप पहला एग्जाम्पल हो गया कोडॉमिनंस का इसको आप लिख लीजिए जरा नोट कर लीजिए आप इसको कोडोमिनेंस का एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेटा कोट कलर या फर कलर इन कैटल्स जानवरों में जो स्किन का कलर होता है रोए का कलर होता है इसमें जो रोन कलर होता है रोन कलर इज कोडोमिनेंट ये कोडोमिनेंट होता है रोन कलर रोन कलर क्या है जैसे आप देखो मान लीजिए ब्लैक कलर में काऊ है ब्लैक कलर में काऊ है और उसका जो मेल है साढ़ जो है वो वाइट कलर में है ब्लैक और वाइट इसके बीच में क्रॉस करा दो जो बच्चा हुआ ब्लैक एंड वाइट हो गया एक ही में ब्लैक और वाइट दोनों है तो उसको बोलते हैं रोन कलर रोन कलर जो होता है ब्लैक एंड वाइट दोनों हो गया मतलब को डोमिनेंट हो गया ब्लैक भी डोमिनेंट था वाइट भी डोमिनेंट था तो जो बच्चा हो गया वो कोडोमिनेंट हो गया दोनों से रिजम्बल कर गया ठीक है आप इसको लिख लीजिए नोट कर लीजिए तो लॉ डोमिनेंस हो गया था उसके एक भी हम आपको बता दिए थे को डोमिनेंस अब हम बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है इसको ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी बोलते हैं ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स तो इसमें देखिए एलियस डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड फैक्टर्स या एलिन ऑफ ईच कैरेक्टर गेट सेग्रीगेटेड फ्रॉम एफ ऑन हाइब्रिड एट द टाइम ऑफ गैमटोजेनिस गेमटोजेनिस में जब एनाफेज फर्स्ट होता है मियोसिस फर्स्ट में उसी टाइम पे होमोलोग क्रोमोजम पेयर जो होता है एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाता है तो जो एफोन हाइब्रिड होता है एफ ओन हाइब्रिड में कैपिटल टी और स्मॉल टी एल दो एलियल है कैपिटल टी एक क्रोमोजोम पे बैठा है स्मॉल टी एक क्रोमोजोम पे बैठा है तो होमोलॉगोस क्रोमो पे बैठा है तो होमोलॉगोस क्रोमोजोम के सेग्रीगेशन की वजह से कैपिटल टी अलग हो जाएगा स्मॉल टी अलग हो जाएगा तो एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा दूसरे गैमेट में स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी से क्या हो गए अलग हो गए तो गैमेट तो हैप्लॉयड होता है पेरेंट में एफ वन में दोनों साथ में थे तो ये हाइब्रिड था लेकिन गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जब मियोसिस होगा तो दोनों एलील एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे तो गैमिट में सिर्फ एक ही एलील जाता है क्योंकि गैमिट हैप्लोइड है तो गैमिट हमेशा प्योर होगा ये देखो ये जो पेरेंट हैं पेरेंट प्योर भी हो सकते हैं हाइब्रिड भी हो सकते हैं लेकिन गैमिट हमेशा प्योर होता है क्योंकि गैमिट्स मियासिस से बनते हैं ना इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी बोलते हैं तो बताइए जब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो एफ वन हाइब्रिड सिर्फ टॉल था किसी एक पेरेंट से रिजम्बल करता था करता था डोमिनेंस की वजह से लेकिन जो एफ टू जनरेशन है एफ टू जनरेशन में आपको टॉल और डॉर्फ दोनों मिल गया तीन टॉल एक डॉर्फ भी मिला ना ये थ्री टू वन के रेसिपी में टॉल डॉर्फ दोनों क्यों मिला क्योंकि एफ हाइब्रिड में कैपिटल डिस्पॉलिटी दोनों एलिल का सेग्रीगेशन हो गया सेग्रीगेशन तब हुआ जब ये एफ हाइब्रिड वाला ये गैमिड बना रहा था मियोसिस की वजह से होमोलॉगस क्रोमोज सेग्रीगेट हो गए इन एफ फर्स्ट में ठीक है तो यह लिखा है कि सो दैट गैमिट्स रिसीव ओनली वन फैक्टेरिया एलील ऑफ हिच कैरेक्टर दस द गैमिट्स आर ऑलवेज प्योर पेरेंट होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कुछ भी हो सकता है लेकिन गैमिट हमेशा प्योर होते हैं तो इसलिए लॉ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी बोलते हैं दिस लॉ एक्सप्लेन्स द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पेरेंटल फिनोटाइप इन एफ टू जनरेसन एफ टू जनरेसन में देखिए टॉल भी मिल गया डॉर भी मिल गया थ्री टू वन के रेसियो में एफ़ टू जनरेशन में एफ वन में सिर्फ एक ही था एफ टू में दोनों मिल गया ठीक है तो दिस लॉ इज़ यूनिवर्सल ये लॉ यूनिवर्सल है बेटा ध्यान देना ये लॉ यूनिवर्सल है इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में तो आप इसको लिख लीजिए नोट कर लीजिए पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट और बेटा ध्यान देना ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट है ये बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का एग्जाम्पल है तो ध्यान देना बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी कुछ देर पहले हम डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको करके दिखाए थे ठीक है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉटमेंट क्या बोलता है वेन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स ये इनहेरिटेंस ऑफ टू का एग्जाम्पल है तो हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं तो अभी एग्जाम्पल बना के दिखाएंगे आपको वेन टू पेयर ऑफ पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स दो पेयर ऑफ कैरेक्टर का मतलब वेन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स टू पेयर ऑफ ट्रेड्स वेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स टू पेयर ऑफ ट्रेड मतलब चार ट्रेड वेन टू पेयर ऑफ ट्रेड आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड दो पेयर ऑफ ट्रेड कंबाइंड है हाइब्रिड में मतलब ये डाई हाइब्रिड हो गया चार ट्रेड हो गए ना दो कैरेक्टर हो गए डाई हाइब्रिड Combined in a hybrid, then segregation of one pair of traits, segregation of one pair of traits will be inde independent from. इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर पेयर ऑफ ट्रेड अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स ठीक है तो ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का एग्जांपल है और इसमें बेटा ध्यान देना इंडिपेंडेंट असोटमेंट तभी होता है जब दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं तब ध्यान देना Independent assortment occurs only when both the genes controlling expression of character are located on. डिफरेंट क्रोमोसोम डिफरेंट क्रोमोसोम अलग अलग क्रोमोसोम पे हो जैसे आप देखिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस यहां पर ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं सीड सेप एंड सीड कलर ठीक है सीड सेप और सीड कलर ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आप इसमें देखिए बेटा जरा एक पैरेंट हमने यहां पे ले लिया पहले बता चुके हैं राउंड येलो और एक ले लिया रिंकल्ड ग्रीन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई तो ये बताइए इससे कैमिट बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई हम पहले बता चुके हैं अभी ये बन गया इन दोनों गैमेट का हमने फ्यूजन करा दिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये बन गया एफ वन हाइब्रिड ये एफ वन हाइब्रिड बन गया तो ये दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है बेटा ध्यान देना ये दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड हो गया ना तो ये <coughs> देखो ये दो एलील एक कैरेक्टर के हो गए सीड सेप के ये दो एलील दूसरे कैरेक्टर के हो गए सीड कलर के तो ये बताइए तो इसमें क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर का सेग्रीगेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई से अलग होगा देखो आप ना ये एक क्रोमोजोम है ये दूसरा क्रोमोजोम है इस पर बैठा है कैपिटल आर स्मॉल आर इस पर बैठा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग अलग ये क्रोमोसोम है तो बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर का सेग्रीगेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा इनका सेग्रीगेशन इसके इंडिपेंडेंट होगा कैपिटल आर अलग सेग्रीगेट होगा स्मॉल आर अलग होगा कैपिटल वाई अलग होगा स्मॉल वाई अलग होगा मतलब कैपिटल आर का एसॉटमेंट या सेग्रीगेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई के क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा क्यों क्योंकि यार आर जी अलग क्रोमोजोम पे बैठा, यार से वाला क्रोमोजोम नंबर से, सेवन पे था और सीड कलर वाला क्रोमोजोम नंबर वन पे था ना तो अलग अलग सेग्रीगेशन होगा इनका सेग्रीगेशन इनके इंडिपेंडेंट होगा मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर अलग क्रोमोजोम पे ही अलग क्रोमोजोम पे तो इन दोनों एलील का सेग्रीगेशन इन दोनों से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा तो ये चार टाइप का गैमेट बना लेगा और एक कैरेक्टर के दोनों एलील दूसरे कैरेक्टर के दोनों एलील के साथ में मिलकर गैमेट बना लेंगे तो देखिए ये इससे गैमेट बनाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा ये इससे गैमेट बनाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा ये इससे गैमेट बनाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई बनेगा ये इससे गैमेट बनाएगा तो ये चार टाइप ऑफ ये गैमेट्स मिल जाएंगे आपको फोर टाइप्स फोर टाइप्स ऑफ गैमेट्स चार टाइप का आप, आपको गैमेट मिल जाएगा और जब आप इसका सेल्फिंग कराओगे एफ वन हाइब्रिड का जब आप सेल्फिंग कराओगे तो जीनोटिपिक रेशियो वन टू वन टू फोर टू वन टू वन मिलेगा और फिनोटिपिक रेशियो नाइन थ्री थ्री वन मिलेगा आपको ठीक है सेल्फिंग कराओगे जब तो चार टाइप का गैमेट इससे मिलेगा चार टाइप का गैमेट सेल्फिंग कराओगे इसके फीमेल से भी यही मिलेगा तो टोटल सिक्सटीन प्लांट मिलेंगे आपको तो एक करेक्टर का सेग्रीगेशन दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा तो यहां पे जीनोटिपिक रेशियो वन टू वन टू फोर टू वन टू वन होगा हम पहले ही बता चुके हैं और फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो नाइन थ्री थ्री वन होगा हम पहले ही बता चुके हैं आपको नौ एक दस पेरेंटल होगा छः रिकॉम्बिनेंट होगा इसमें हम पहले ही बता चुके हैं ना तो आप इसको लिख लीजिए आप इसको नोट कर लीजिए बेटा आप इसको लिख लीजिए तो एक करेक्टर का सेग्रीगेशन एक करेक्टर के दोनों एलील का सेग्रीगेशन दूसरे का इंडिपेंडेंट होगा ये तभी होगा जब करेक्टर को कंट्रोल करने वाले क्रोमोजोम जीन अलग अलग क्रोमोजोम पे हो सीड सेप वाला बना है बैठा है क्रोमोजोन नंबर सेवन पे और सीड कलर वाला बैठा है क्रोमोजोन नंबर वन पे जब अलग अलग क्रोमोजोम पे बैठा है तो लिंकेज है ही नहीं तो इनका सेग्रीगेशन एक दूसरे से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा आप इसको नोट कर लीजिए लिख लीजिए और एक चीज आपको हम ये भी बता दें ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट है दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल ये लॉ भी यूनिवर्सल नहीं है ड्यू टू एक्सेप्शन और इसका एक्सेप्शन क्या है जानते हो इसका एक्सेप्शन है लिंकेज लिंकेज इसका एक्सेप्शन है अगर लिंकेज होगा तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं होगा ध्यान देना लिंकेज है तो लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा इनवर्स रिलेशनशिप है लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ठीक है लिंकेज में क्या होता है दोनों जीन आर जीन और वाई जीन लिंकेज के केस में क्या है कि ध्यान दो अगर दोनों जीन एक ही क्रोमोजोम पे बैठे हैं तो फिजिकली एसोसिएटेड रहेंगे लिंकेज हो जाएगा इफ बोथ इफ इफ बोथ द जीन्स कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम देन फेनामिना बिकम्स लिंकेज और लिंकेज होगा तो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट नहीं होता तो ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि इसका एक्सेप्शन क्या हो गया लिंकेज हो गया लिंकेज लिख लीजिए आप इसको नोट कर लीजिए तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट हो गया ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का केस था एक हैडिंग छोटा सा बता देते हैं आपको मल्टीपल एलिय मल्टीपल एलियमली क्या होता है नॉर्मली क्या होता है मेंडल साहब ने बताया था कि एक जीन के दो एलील होते हैं ठीक है ये मेंडल का एक्सेप्शन है ये मेंडल के कंसेप्ट का एक्सेप्शन है ध्यान दो इनकम्प्लीट डॉमिनेंस को डॉमिनंस मल्टीपल मेंडल के कंसेप्ट का एक्सेप्शन है मोर देन टू एले ऑफ ए जीन इट कॉल्ड मल्टीपल एलेिजम और उस जीन को बोलेंगे हम मल्टी एलेलिक जीन मेंडल साहब ने क्या बोला था एक जीन के दो एलेल होते हैं ये मेंडल के डाई एलिलिक कंसेप्ट का इसेप्शन है आपने याद याद होगा मिल्डर साहब ने बोला था कि एक्सप्रेशन ऑफ हिज करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू वन जीन हैविंग टू एलिस मतलब मोनोजेनिक डाई ये डाई एलिलिक का एक्सेप्शन है यहाँ पे कभी कभी एक जीन के दो से अधिक एलिल हो जाते हैं तो उस जीन को बोलते हैं मल्टीपल एलिलिक जीन और इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म ठीक है और ध्यान देना मल्टीपल एलिल्स मल्टीपल एलिल्स लोकेटेड एट लोकेटेड एट होमोलॉगस साइट या सेम लोकस सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम पे एक ही लोकस पे बैठा होता है मल्टीपल एलियस और बेटा ध्यान देना किसी एक इंडिविजुअल में किसी एक इंडिविजुअल में एक जीन के सिर्फ दो ही एलील हो सकते हैं लेकिन पॉपुलेशन में मल्टीपल एलील हो सकता है इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो उसमें एक जीन के सिर्फ दो ही एलील हो सकते हैं लेकिन पॉपुलेशन में आपको मल्टीपल एलील मिल जाएगा तो मल्टीपल एलिलिज्म इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन नॉट द इंडिविजुअल ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन मल्टीपल एलेलिज्म ज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफ ये यूनिट में आ सकता है पॉपुलेशन नॉट द इंडिविजुअल मल्टीपालिज्म पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल का नहीं पॉपुलेशन मल्टीपालिक होता है इंडिविजुअल डाई या होता है याद रखना और इसका एग्जाम्पल हम बता दें अच्छा एक चीज और है द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल एलिलिज्म अगर मल्टीपल एलिलिज्म है एलिलिज्म और अलग अलग कितने टाइप के जीनोटाइप टाइप बनेंगे इसका फार्मूला है एन बाई टू एन प्लस वन एन क्या है यहाँ पे एन बराबर नंबर ऑफ एलियस है यहाँ पे ठीक है एन बराबर नंबर ऑफ एलियज है एग्ज़ाम्पल हम बताते हैं मल्टीपल एलिज्म का एग्ज़ाम्पल मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप में बेटा एक जीन होता है आई जीन, कंट्रोल्ड बाय आइजिन ए बी ओ ब्लड ग्रुप में एक जीन होता है आई जीन। ये मल्टी जीन है इसके तीन एलिल हैं थ्री एलियस नॉर्मली दो ही होता है ना यहाँ पे तीन एलिल है क्या क्या आई ए आई बी और आई तीन एलील है आई ए आई बी और आई ओ आई ए डोमिनेंट है आई ओ के ऊपर आई बी डोमिनेंट है आई ओ के ऊपर और ए और बी दोनों एक साथ में को डोमिनेंट है मतलब जो ब्लड ग्रुप है ध्यान देना इंपॉर्टेंट है एबीओ ब्लड ग्रुप डोमिनेंस रिलेसिव रिलेशनशिप भी शो करता है कोडोमिनेंस भी शो करता है और मल्टीपल एलिजम भी शो करता है कई चीज़ का एग्जाम्पल है ठीक है ये है जो तो तीन एलील है आई जिनके तीन एलिल हैं। तो ये बताइए कितने जीनोटाइप बनेंगे नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने बनेंगे ए बी ओ ब्लड ग्रुप में तीन एलिन है तो थ्री बाई टू थ्री प्लस वन मतलब छः जीनोटाइप बनेंगे सिक्स जीनोटाइप्स बन जाएंगे टोटल ठीक है सिक्स जीनोटाइप्स बन जाएंगे आपने पढ़ा तो है देखिए ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप में बेटा चार फिनोटाइप होते हैं टोटल ब्लड ग्रुप में फोर फिनोटाइप्स होते हैं यहां पे हम लिख देते हैं एंटीजेंस यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटीबॉडी ठीक है तो चार फिनोटाइप है ए बी ए बी और ओ इसमें एंटीजन होगा ए एंटीजन ए एंटीजन इसमें होगा बी एंटीजन बी एंटीजन इसमें बोथ दोनों एंटीजन होगा इसमें एक भी नहीं होगा एंटीबॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट होगा इसमें होगा एंटी बी एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी इसमें नील होगा इसमें बोथ होगा दोनों एंटीबॉडी होगा ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी होता है ठीक है ये आप नोट कर लीजिए लिख लीजिए तो जीनोटाइप क्या होगा ये हम दिखा देते हैं आप इतना लिख लीजिए फिर हम जीनोटाइप दिखा देते हैं जीनोटाइप देखिए है। बगल में जीनोटाइप भी लिख लेना था आपको ठीक है एंटीबॉडी के बगल में ए ब्लड ग्रुप का आई ए आई ए है ये आई ए आई ओ ये हेट्रोजाइगस है आई आई बी आई बी ये होमोजाइगस हो गया आई बी आई ओ ए बी में सिर्फ एक जीनोटाइप बनेगा आई ए आई बी और इसमें सिर्फ एक बनेगा आई ओ आई ओ टोटल एक दो तीन चार पाँच जीनोटाइप बन गया है टोटल और ब्लड ग्रुप बेटा जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है ये डोमिनेंस रिलेस रिसेसिव रिलेशनशिप कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म ये सब कुछ शो करता है सबका एग्जाम्पल है तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया एवीओ ब्लड ग्रुप ये आप नोट कर लीजिए लिख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल बता दें हम सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी पहले बता चुके हैं सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी इन प्लांट्स इसमें एस जीन होता है एस जीन और ए जीन के चार एलील्स होते हैं तो ये भी मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है ए जीन के चार एल, एलील है ना तो ये भी मल्टीपल एलेलिक जीन होता है ठीक है तो ध्यान दे रहा है ये भी ना मल्टीपल एलेलिक जीन होता है तो आज का जो क्लास है बेटा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं यहाँ तक हमने करा दी है आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं थैंक यू वेरी मच थैंक यू बेटा